चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम डबल सर्कुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, डबल सर्कुलेशन का आपके पास डायग्राम दिख रहा होगा स्क्रीन पर। फर्स्ट पॉइंट है वेना कावा फ्रॉम बॉडी। डायग्राम में ये रहा फर्स्ट पॉइंट, वेना कावा, जो बॉडी से ब्लड को हार्ट तक पहुँचाती है। सेकेंड है एओटा टू बॉडी। एओटा हार्ट से ब्लड को बॉडी तक पहुंचाती है। थर्ड है पल्मरी वेन, तो पल्मरी वेन ये रही, पल्मरी वेन लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक पहुंचाती है। फोर्थ है पल्मरी आस, पल्मरी आर्टरी। तो फोर्थ पॉइंट आप डायग्राम में यहाँ देख पा रहे होंगे, पल्मरी आर्टरी हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक पहुंचाती है। अब है ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट फोर पार्ट्स में डिवाइड होता है, फोर चैम्बर्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट चैम्बर है लेफ्ट आर्टरिया, सेकंड राइट आर्टरिया, थर्ड लेफ्ट वेंटिकल्स और फोर्थ है राइट वेंटिकल्स। ह्यूमन हार्ट इज कनेक्टेड टू लंग्स थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी एंड वेन। इन डबल सर्कुलेशन देयर आर टू पाथवेज। डबल सर्कुलेशन के अंदर टू पाथवेज होते हैं। अब वो दोनों पाथवेज क्या है वो हम देखते हैं। सिस्टमिक फर्स्ट है हमारे पास सिस्टेमिक सर्कुलेशन। इस सर्कुलेशन के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंटिकल्स टू टिश्यू कैपिलरीज। यहाँ पर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो लेफ्ट वेंटिकल से टिश्यू कैपिलरीज तक पहुँचता है। द ऑक्सीजन रिच ब्लड इज ट्रांसफर टू द एओटा फ्रॉम सर्कुलेटिंग इन टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। हमने पहले ही देख लिया है कि जो एओटा होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी पार्ट्स तक पहुँचाती है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सेकेंड नंबर एओटा। आगे हम पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट है हमारे पास थर्ड, द वेन्स एंड वेन्यूल्स कलेक्ट द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विच इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो वेन्स और वेन्यूल्स होते हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करते हैं जो बॉडी पार्ट से आता है। फिर इसके अगला पॉइंट हम देखते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प्ड बैक इन टू सुपीरियर वेना कावा एंड देन द राइट आर्ट्रियम। तो डीऑक्सीजनेट जो ब्लड होता है वो सुपीरियर वेना कावा के थ्रू राइट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम आप देख पा रहे होंगे डायग्राम में, मैंने ब्लैक कर दिया है। इस राइट आर्ट्रियम में डीऑक्सीजनेट ब्लड सुपीरियर वेना कावा के थ्रू कलेक्ट होता है। आफ्टर रिसीविंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड द राइट आर्ट्रियम कैरीज ब्लड टू राइट वेंटिकल्स फॉर पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो एक बार जब यहाँ पर ब्लड कलेक्ट हो जाता है उसके बाद में राइट वेंटिकल्स के थ्रू ये पल्मोनरी सर्कुलेशन के लिए आगे बढ़ता है। अब पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है वो हम देखते हैं। पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर द ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट्स फ्रॉम राइट आर्ट्रियम टू लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम टू लेफ्ट आर्ट्रियम। इन दिस पाथवे द पल्मोनरी आर्टरी कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम राइट वेंटिकल एंड कैरीज टू लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। ऑक्सीजन के लिए जो ब्लड है वो हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी से पास होता हुआ लंग्स तक पहुंचता हुआ है। आप डायग्राम में देख सकते हैं, डायग्राम में देखने पर आपको क्लियर कंफर्म हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास राइट आर्ट्रियम, बाद में राइट वेंटिकल्स, इसके थ्रू ये जो फोर्थ नंबर पॉइंट देख रहे हैं आप, ये है हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी। इसके थ्रू डी ऑक्सीजन जो ब्लड होता है वो लंग्स तक पहुँचता है। ये है हमारे लंग्स, इस लंग्स तक पहुँचता है। आफ्टर द प्योरीफिकेशन प्रोसेस द ऑक्सीजनेटेड ब्लड
द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प्ड बैक टू लेफ्ट आट्रियम थ्रू पल्मोनरी वेन. तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे डायग्राम के अंदर हमारे लंग्स के अंदर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट आट्रियम में कलेक्ट होता है. लेफ्ट आर्ट्रियम में कलेक्ट होके वो लेफ्ट वेंट्रिकल्स में पहुंचता है. लेफ्ट वेंट्रिकल्स पंप द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द एओटा फॉर सिस्टेमिक सर्कुलेशन. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दो पाथवेज थे, फर्स्ट सिस्टेमिक और सेकेंड पल्मोनरी सर्कुलेशन.